दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में क्रियू पांपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। मारे गए आतंकियों की फिलहाल पहचान जाहिर नहीं की गई है, परंतु स्थानीय सूत्रों के मुताबिक वो दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीर पंचाल की पहाड़ियों के बीच नई बनी बनिहाल काजीगुंड टनल को पार करने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। 21 अगस्त से वाहनों को उनके साइज, प्रयोग और पंजीकरण के आधार पर एक तरफ का 65 से 840 रुपए टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। 21 अगस्त से टोल टैक्स वसूलने का फैसला करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए जाने पर हर तरफ लोगों में गुस्सा दिख रहा है। इसको लेकर अब विभिन्न राजनीतिक दल मुखर होने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने मोदी सरकार के इस कदम को घोर नाइंसाफी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार जनता पर महंगाई का चाबुक बरसा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता हिसाब मांगेगी। श्रीनगर के सफा कदल में आतंकियों ने बीती रात पुलिस के नाका पर एक ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर कर व्यापक तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की कुलगाम में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घायल गुलाम हसन को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन पर देवसर में आतंकियों द्वारा किए गए हमले को कायरतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पुंछ नगर स्थित प्राचीन दशनामी अखाड़ा मंदिर में वीरवार को श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक का वैदिक मंत्रों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, शिव भक्तों एवं साधुओं की उपस्थिति में महंत योगीराज 1008 स्वामी विश्वानंद सरस्वती की अगुवाई में पूजन किया गया। पूजा के बाद पवित्र छड़ी मुबारक को मंदिर सभागार में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए जम्मू के बाजार राखियों और पतंगों और अन्य सजावटी सामानों से सज गए हैं। इन त्योहारों पर लोग पतंगबाजी का आनंद लेंगे। इसके लिए बच्चों और युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल महंगाई की मार से थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अलग अलग डिजाइनों से बाजार सज गए हैं। शहर के पकड़डंगा और दीवान मंदिर बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सजे पड़े हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कुलगाम के देवसर में अपनी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता गुलाम हसन लोन की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदातें मौजूदा शांति प्रक्रिया में खलल डालने के इरादे से की जा रही है, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पार्टी के प्रदेश महासचिव विक्रम मल्होत्रा ने भी शोक संपत्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादियों की ओर से मुख्य धारा के नेताओं को निशाना बनाकर हमला करने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देवसर इलाके में गुलाम हसन लोन की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अल्लाह दिवंगत को जन्नत प्रदान करे। केंद्र मंत्री व भाजपा नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता दल व विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है। बैठक में 15 दल शामिल होंगे।
बैठक शाम 5 बजे वर्चुअल तौर पर आयोजित होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस बैठक में न्योता नहीं भेजा गया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित वीर भूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, शक्ति सिंह गोयल समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है।